हम निकल चुके हैं सीधा यहाँ से कानपुर की तरफ। आपकी प्रेजेंस को ही और अब मजा आ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूं कानपुर, मेरी कजन की वेडिंग है, मासी की बेटी की, लक्षणा की। अभी क्या है कि मैं गुड़गांव में हूं, मैंने अभी टायर चेंज करवाया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को टायर दिखाता हूं, और पापा आए हुए हैं, पापा को मैंने पिक करना है दिल्ली कैंट से, तो वो गेस्ट हाउस में थे रात को। तो अब मैं दिखाता हूँ टायर, क्योंकि मैं पेट्रोल टायर बदलवा लिए हैं, बिल्कुल चकाचक नए टायर लगवा लिए। अभी मैं यहाँ पे बस हवा चेक करा रहा हूँ एक बारी पेट्रोल पंप पे। पापा को दिल्ली कैंट से पिक करके अभी मेरे को 1.5 आवर लगेगा, मतलब उनके पास पहुँचने में, और यहाँ से पापा को पिक करके वहाँ से मतलब हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट कानपुर के लिए। तो फिर चलते हैं और रास्ते में देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचते हैं। अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 12 बजे अभी पूरे एग्जैक्ट, मतलब 11:53 हुए रहेगा, वो 7 से 8 घंटे का तो है ही है कंफर्म। बाकी हाईवेज हैं, बाकी मैं चला रहा हूँ तो देख लेंगे, थोड़ा जल्दी से इसको कवर अप कर लेंगे, बिकॉज आज ही शादी है और हमें पहुँचना है वहाँ पे। ऑलरेडी फंक्शंस तो चल ही रहे थे, लेकिन ना किसी रीजन से ना हम जा नहीं पाए थे। मैंने एंड मम्मी पूजा ऑलरेडी वहाँ पर है शादी वाले घर पे, बट ऐसा है कि आज हम जाएंगे और हमारा प्रोग्राम ये रहेगा कि हमने आगे ना बनारस भी जा सकते हैं, काशी वहाँ पे एक काम भी है छोटा सा, या डायरेक्ट हम वापसी दिल्ली आ सकते हैं। और ये हवा चेक भैया, हवा कितनी है? 35 है उसमें, इसमें भी चेक कर ले कितनी है इसमें। हवा चेक करा लिया मैंने, और अभी मैं बता दूं, मुझे पेट्रोल पंप पे एक अंकल मिले थे, बहुत ही अच्छे थे, ओल्ड थे काफी, मुझे इतने सारे अपने कार्ड दे दिए कि मैंने उन्होंने गाड़ी का नया काम खोला है। तो गाइज ये कार्ड देख लेना आप, ये वर्कशॉप वगैरह मैं अभी आगे दिखा दूंगा, वर्कशॉप वगैरह नाम नंबर ऐसा था, चलो जितना होगा करेंगे। मैंने पापा को ले लिया और अब हम निकल चुके हैं सीधा यहाँ से कानपुर की तरफ, और अब हम जा रहे हैं कानपुर। अब हम यमुना एक्सप्रेस हाईवे चढ़ चुके हैं, गाड़ी चलेगी बढ़िया 100 पार। ये चलते हैं आगे चल के किसी ढाबे पे चाय पीते हैं और कुछ खाते हैं। पहले तो बहुत देर हो गई है, 2 घंटे हो गए चलते हुए, गाड़ी चला रहा हूँ तो थोड़ा छोटा छोटा मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में। पापा साथ बैठे हैं तो मैंने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगा, जल्दी तेज पहुँच जाएंगे। तो अभी गाड़ी 110 पे चल ही रही है ऑलरेडी, देखो देख, अरे देख रहा हूँ वो भी देख लेगा। अच्छा गाइस, अभी पंप पे रुके हैं यहाँ पे, और हम लगभग मथुरा क्रॉस कर चुके हैं यहाँ से, तो पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पे अभी। क्या क्या लीटर है? 89। कितना सस्ता है? 21 पैसे सस्ता। अरे बहुत है, दिल्ली से 21 पैसे सस्ता है यहाँ। अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ इस सीट पे और पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। पापा कुछ कहना चाहोगे? हेलो। सो मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, मैं का थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बड़ी देर से हम ड्राइव कर रहे हैं और अभी भी 3 से 4 घंटे और लगेंगे पहुँचने में। अच्छा अच्छा, आगे लोकेशन सही है। चलो, सो नाइस डेकोरेशन, आप देख सकते हो पेड़ पूड़ कितने बढ़िया सजा रखे हैं भाई। So guys, अभी मैं पहुंच चुका हूं डेस्टिनेशन पे जहां वेडिंग है, और ये मेरा भाई है, मासी का बेटा हर्षित, तो इसका भी। तो अब चलते हैं अंदर। बढ़िया 20 पे है सेकंड फ्लोर की बात कर रहा है तू, मैं समझा नहीं। ये चाचा कर रहा है हमें। हाँ जी हाँ जी, इस बंदे के धड़कते दिल में दम था। कैसे हो भाई? जो आप आया है, रॉयल सैल्यूट लग रहे हो यार भाई। आपकी प्रेजेंस को ही और इनने मतलब अब मजा आ गया। अरे क्या बात है, बैठो। नहीं रेडी हो गया हूँ मैं। Thank you.
भाई इसका इसका ध्यान रखना, आग वो पे लग गया तो गई। मैंने कहा कहां जरा सोनी हो जाए। इंस्टा पे भी नहीं वैसी, नॉर्मल अपना यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब पे डालने के लिए। आज कोई परिवार विदेश से मेरी कांग्रेचुलेशंस लक्ष्मा हुई। ये आ गई है पूजा सबसे जल्दी। अभी हम शादी में डिनर कर रहे हैं और ये मेरा भाई काकू हर्षित जो आने वाले टाइम में एक यूट्यूब चैनल खोलने वाला है। यार ऐसे सेंसर चीजें मत बताओ। सेंसर्ड ये सर सेंसर्ड नहीं होनी चाहिए। ले ये वाली रहने दो, ये रहने दो कुछ। हाँ ले लो, चाय का हमने ऑर्डर दे दिया है और चाय, जब तक चाय आती है मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसी रिजोर्ट के अंदर। हाय टिंग 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 ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਟੇਸਟੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ। 12 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ 7:30 ਵਜੇ ਉਹ ਚਾਰਟ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਣਾ ਕਾਲ ਲਾਈ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹ ਆ ਰਹੀ ਮੱਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ क्या मुझसे मुझसे भी मिलके जाना है। क्या रही हो जट्टा पापा? ओके फाइनल विदाई टाइम एंड पापराजी गुनिया में बहुत रो रहा हूँ वैसे देख। और जितने भी यहाँ पे बच्चे सब लोग ऐसे बाय करके कहेंगे बाय। नहीं 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 थको नहीं देखो किसी से भी निकाल लो नारियल। चलो जी हुर्रे हुर्रे। अरे बहुत एनर्जी थी, मजा आ गया बहुत। अरे आओ भैया चलो जी बाय गुनिया बाय मेन बाय 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 बाय। ओ भाई साहब ओ भाई साहब मतलब भाई साहब आप खुशी देख सकते हो कि बहन जा रही है विदाई हो रही है और भाई खुश हो रहे हैं यहाँ पे कि गई। पूजा कुछ कह रहे हैं क्या पापा?
ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖਾ ਹਮਾਰੇ वीडियो बना रहा हूँ तेरे साथ, उसको लग रहा है मैं वीडियो कॉल पे नहीं उपलब्ध। गाइस ये तो दोस्त बनते नहीं है। तो अब हो गया, यहाँ से विदाई भी हो गया एंड ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। सो अभी पता नहीं अब क्या प्रोग्राम बनेगा। सो फिर यहाँ से अब हम निकलेंगे और आपको बताते हैं। सेटिस्फेक्शन है, संतोष है। बैठोगे मासी? नहीं, मैं अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस अभी ऐसा है कि हम लोग रेडी मतलब हो चुके हैं और गाड़ी में देख सकते हो आप सामान रख रहे हैं, रूम्स चेकआउट कर दिए यहाँ से। पर जो है अब सामान सेट कर रहे हैं, सारा सामान लाके रख दिया गाड़ी में। मैं पापा रूम चेक करके आता हूँ। फोन पड़ा, चार्जर पड़ा है और बस एक मिनट रहूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये ऐसे ओके, हैंडल नीचे कर दूँ। लगाओ लगाओ लगाओ, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो मैं अब रूम पापा चेक करके आ रहा हूँ। ठीक है, आपका मोबाइल वाला लगेगा कि अब यहाँ से अपन जाना कहाँ है। तो अभी आपको अपडेट करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक दिन सबको बोलता हूँ कि इस दिन में पानी यमुनानगर मैंने स्पॉन्सर करना है। तो बिल्कुल सेम डेट में पहुंचे, सैटरडे को पहुंचे, सारे ऑल आर इनवाइटेड, अपनी पूरी फैमिली। मासी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी सारी बातें, देख लो अब आप। रिटायरमेंट की बात हो रही है पापा की। हाँ ठीक है, ये है हम यहाँ से फाइनली रिजोर्ट को लीव करते हुए। सारी गाड़ियां लाइन में है और ये रिजोर्ट से बाहर निकलते हुए हम लोग अब फिल्मिंग आराम। भाई भाई भाई, अरे भाई, अरे बन रही है।
फाइनली अब हम निकले हैं वहाँ से, तो बहुत ही अच्छी शादी रही, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। इसलिए हम वापसी रास्ते की ओर पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं और यहाँ से अब दोबारा से हमें वही 6-7 घंटे तो लगेंगे दिल्ली तक पहुँचने के लिए।